राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछते हुए एक ट्वीट किया है। पूछे गए सवालों में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पीएम मोदी से ये पूछा है कि उन्हें ये बताना चाहिए कि सरकार ने भारतीयों के लिए किन किन कंपनियों की कोरोना वैक्सीन को चुना है और उनके चुनने की क्या वजह है। मुंबई में 55 साल के टीवी के मशहूर एक्टर आशीष रॉय का किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया है। आपको बता दें कि आशीष रॉय को बीमारी के चलते मुंबई के जुहू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आशीष आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर में रहने वाले सलमान अंसारी और प्रियंका खरवाल मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून एक बालिग स्त्री या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल एंड लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर कलवेश सादिक का बीती रात इंतकाल हो गया। दरअसल डॉक्टर कलवेश सादिक को कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया के चलते एरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज के दौरान ही निधन हो गया। वाराणसी में लोकसभा सीट से पीएम मोदी का निर्वाचन रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने ये याचिका दाखिल की थी। सुल्तानपुर की सदर तहसील में कांग्रेसियों ने किसानों की समस्याओं के मद्देनजर सीएम योगी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी के साथ सभी ने किसानों की धान बिक्री समस्या को लेकर एसडीएम सदर रामजी लाल को राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा। सुल्तानपुर में घंटों इंतजार के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उपभोक्ताओं को बैरंग लौटना पड़ा। सस्ते गल्ले की दुकानों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लाइन लगी रही, लेकिन सर्वर का हवाला देते हुए कोटेदार ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। सुल्तानपुर में शहीद स्मारक सेवा समिति के माधवपुर छतौना में काकोरी कांड के शहीदों के 36वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने करीब 100 गरीब महिलाओं और अन्य को कंबल वितरित भी किया। सुल्तानपुर के थाना कुड़वार बाजार में प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते बाजार के मेन रास्ते पर घंटों तक लोगों का जाम लगा रहा, जिससे सभी को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान जाम में फंसे लोग बिना मास्क और हेलमेट के ही दिखे। अमेठी में थाना जगदीशपुर क्षेत्र के दौलतपुर लोनहत गांव में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। दरअसल दौलतपुर गांव में रहने वाली रफिया बानो ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न के चलते 3 तलाक देकर घर से भगाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं रफिया बानो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। अमेठी में शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के नीमपुर गांव में पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत के चलते प्रतिबंधित पेड़ों पर आरा और कुल्हाड़ियां धड़ाधड़ चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गांव के ही ठेकेदारों ने 8 आम के पेड़ों को कटवा दिया और पुलिस इस बार भी उनका कुछ नहीं कर सकी। अमेठी में ठंड आते ही एक बार फिर से रूई धुनने वालों का काम शुरू हो गया, लेकिन इस महंगाई और लॉकडाउन ने उनकी भी कमर तोड़ दी है। कारीगरों के मुताबिक दिन भर काम करने के बावजूद उन्हें महज 300 से 400 रुपए ही मिलते हैं, जिससे उनका परिवार बहुत मुश्किल से चल पाता है। अमेठी से भेजे गए कोरोना के 18 से 24 सैंपल्स में से 18 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं ताजा आंकड़ों की माने तो जिले में अब तक कोरोना से 3242 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अयोध्या में प्राचीन पंचकोशी परिक्रमा मेला शुरू हो गया। आपको बता दें कि यह परिक्रमा आज सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है, जो करीब शाम 6:15 तक पूरी हो जाएगी। वहीं इस दौरान जिले के सभी संतों ने इस बार परिक्रमा में शामिल न होने वाले लोगों से अपील की है कि सभी अपने घरों में तुलसी के पौधे के आसपास दीपक जलाकर परिक्रमा कर सकते हैं। बहराइच में थाना मोतीपुर के ग्राम सुमई कौड़ी में रहने वाले बालक राम ने गांव के ही कुछ दबंगों पर उसकी गर्भवती बेटी के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। बालक राम की माने तो उनकी बेटी ने मजदूरी करवाकर पैसा न देने पर शिकायत की थी, जिसके चलते ही दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बहराइच में थाना फकरपुर क्षेत्र के हैबतपुर गांव में रहने वाले विक्रम का बेटा और नाती गांव में मौजूद एक कुएं में गिर गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोंडा में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक महिला बैंक में 10,000 लोन के लिए अप्लाई किया था। महिला के माने तो उसके पास बैंक मैनेजर को देने के लिए रिश्वत नहीं है, लिहाजा करीब 2 महीने दौड़ने के बावजूद उसे लोन नहीं दिया गया, जिससे महिला खासा परेशान है। बलिया में थाना नरही क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चट्टी के पास पुलिस ने 50,000 के इनामिया बदमाश चंदन यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से करीब 70,000 नकद समेत एक बाइक और एक पिस्टल भी बरामद की है। कानपुर में केंद्रीय महासंघ के आह्वान पर 26 नवंबर को देशव्यापी औद्योगिक बंदी की जाएगी, जिसके चलते इंटेक से जुड़े यूनियन भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे, जिसमें कानपुर डिफेंस और बिजली विभाग के गेटों पर कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं।
कानपुर में बिल्हौर विधानसभा की सपा महिला नेता रचना सिंह ने गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही लोगों को उनके निस्तारण के लिए आश्वासित भी किया। इसी के साथ ही रचना सिंह ने क्षेत्र की जनता से आने वाले 2022 चुनाव में भारी मतों से जीत दिलाने की अपील भी की। लखीमपुर खीरी में सर्विलांस सेल ने करीब 8,75,000 रुपए की चोरी किए गए मोबाइल फोन की बरामदगी कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस को कई दिनों से जिले के अन्य जगहों से मोबाइल चोरी होने की खबरें मिल रही थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए सर्विलांस सेल टीम ने सभी चोरी की मोबाइल को बरामद कर लिया है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने थाना मोहम्मदी क्षेत्र के हरिनगर गुरुद्वारा तिराहे के पास से जिले के शातिर चोर छोटे सिंह उर्फ सत्येंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 7 मोटरसाइकिल समेत एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। कन्नौज में छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव भगवंतपुर में एक शख्स ने अपने ही भाई की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसडीएम से की है। पीड़ित की माने तो उसके भाई ने पहले भी भतीजे के साथ मिलकर उसकी पिटाई की थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। सहारनपुर में मंडलायुक्त राजमौली ने जनमंच प्रेक्षागृह में सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए यातायात के नियमों के बारे में जानकारी भी दी, साथ ही सभी को नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी। मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन क्षेत्र से पुलिस ने ऐसे 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाई गई लाखों रुपए की पोलार्ड लाइट चुरा ली थी। वहीं तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी संख्या में पोलार्ड लाइट भी बरामद की है। फिलहाल इन तीनों के बयान पर पुलिस इनके गैंग को पकड़ने की फिराक में है। मुजफ्फरनगर में थाना पुरकाजी क्षेत्र के गांव देहली नगला में कोरोना के दौरान सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत को लेकर ग्राम प्रधान और शिकायतकर्ता का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में ग्राम प्रधान शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देते हुए सुनाई दे रहा है। जालौर में कालपी नगर के 84 गुंबद हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौर में यातायात सप्ताह के समापन पर जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिकल उरई के परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सभी यातायात पुलिस अधिकारियों से लोगों को सख्ती के साथ नियमों का पालन करने की अपील भी की। जालौर के कालपी नगर में हाईवे की टूटी सड़क की वजह से वहां के लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाकाई लोगों की माने तो उन्होंने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जालौर में कोंच नगर के शालिग्राम पाठक इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान सिविल जज पलाश गांगुली ने वहां मौजूद सभी बच्चों को कानून की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक भी किया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।